नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे सोनी लिव में KBC का एक वीडियो देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि प्ले अलोंग गोल्ड कैसे खेला जाता है और घर बैठे जीतो जैकपॉट आप कैसे जीत सकते हैं और इसके बाद सब्सक्रिप्शन लेने की प्रोसेस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सोनी लिव ऐप में चला जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये सब दोस्तों जो प्रोसेस है वो अकाउंट आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे फिर उसमें आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इसके बाद की है। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको पासवर्ड सेट करना है या नहीं। अगर आपको करना चाहते हैं तो मेरी तरह कर भी सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको KBC प्ले अलोंग का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम सीधे प्लेयर नाउ पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप गोल्ड के सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपने अगर सोनी लिव में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो दोस्तों इसमें आपको कोई अलग से बैनर नहीं दिखाई देगा कि आप प्ले अलोंग गोल्ड के प्लेयर हैं। यहाँ पे प्ले अलोंग रेगुलर और प्ले अलोंग गोल्ड को एक ही बैनर दिखाई देता है। पर दोस्तों वो लोग पहचान जाते हैं कि उस वहाँ पे सर्वर में सब कुछ दिखाई देता है कि किसने सब्सक्रिप्शन लिया है। अगर सब्सक्रिप्शन लिया है जिस किसी ने भी तो वो प्ले अलोंग गोल्ड में ही खेल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई अलग से ऑप्शन दिखाई नहीं देगा कि आप प्ले अलोंग गोल्ड के प्लेयर हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको प्ले अलोंग खेलना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्ले अलोंग पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ टाइम नहीं है क्योंकि सोम से शुक्र रात 9 बजे आता है। तो एक दोस्तों कंडीशन है कि KBC का टाइम है वो 9 से 10:30 का है। तो 9 से 10:30 आप यहाँ पे प्ले अलोंग खेल सकते हैं KBC के साथ ही। और इसके बाद एक क्विज आती है, वो डेली क्विज आती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डेली क्विज का ऑप्शन भी है, तो आप ये डेली क्विज भी सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट में आपको बढ़ोतरी हो जाती है। ये पॉइंट है वो आपके बढ़ जाते हैं अगर आप सही आंसर देते हैं तो। हालांकि जो आपके पॉइंट है वो प्ले अलोंग से ही बढ़ते हैं ज़्यादातर, पर अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये क्विज भी खेलनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि प्ले अलोंग गोल्ड के सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो यहाँ पर आपको अपग्रेड नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली। और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लान आपको नज़र आएंगे, 2-2-1 का है और 8-2-1 का है। तो अगर आपको ज़्यादातर प्लान देखने हैं तो आप कंपेयर प्लान में भी जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप काफ़ी सारे प्लान है, 200 का भी प्लान है यहाँ पर, 199 का, और फिर उसके बाद 2-2-1 का भी प्लान है, 8-2-1 का भी प्लान है। तो आप कोई भी प्लान अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। और इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करें। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 1-1-1-9-9 का प्लान सिलेक्ट कर लिया है, और सॉरी दोस्तों ये मेरा सिलेक्टेड ही है तो ये नहीं होगा। ये अगर मैं प्लान सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे प्रोसेस टू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो आप वहाँ से भी इसको पे कर सकते हैं, UPI पिन से भी पे कर सकते हैं, UPI पिन, भीम UPI, गूगल पे, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको आसानी रहेगी। वॉलेट से भी और नेट बैंकिंग से भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं नेट बैंकिंग पर। और दोस्तों अब हम पीछे आ जाते हैं और अब देखते हैं कि KBC में घर बैठे जीतो जैकपॉट 1 लाख रुपीज़ कैसे जीते जाते हैं और वो लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि 1 लाख रुपीज़ आपको मिल जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन है, प्ले अलोंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर देने के लिए कुछ टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों सिंपली 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड इस तरीके से आपको टाइम दिया जाता है। हालांकि जो कंटेस्टेंट KBC में बैठा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जो कंटेस्टेंट है वो बड़ी मेहनत करके वहाँ पे पहुँचा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। अगर वहाँ पे 40 सेकंड है तो आपको सिर्फ 20 सेकंड ही टाइम मिलेगा, 20 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी आंसर 10 सेकंड के अंदर देते हो तो तेज़ जवाब करके एक आपको बैनर नज़र आएगा, तो आपको वो तेज़ जवाब करके जो बैनर नज़र आएगा वो लगातार आपको तेज़ जवाब देना है, यानी कि लगातार आपको
10 सेकंड के अंदर आंसर देना है, सही आंसर देना है। तो इससे इसके ज़रिए आप प्ले अलोंग में घर बैठे जीतो जैकपॉट भी जीत सकते हैं, और इसके बाद अलावा आप कितने सारे अन्य इनाम भी जीत सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ अन्य इनाम कैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आते हैं, माय अर्निंग्स पे जीते हुए इनाम। तो मैंने तो अभी कोई इनाम नहीं जीता है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आप जीते जाने वाले इनाम तो देख सकते हैं कि आप हॉट सीट पर आने का मौका, मोबाइल से हॉट सीट तक हर दिन 10 लखपति, यानी कि अगर आपने प्ले अलोंग गोल्ड ले रखा है तो आपको रेगुलर चांस मिलेगा। और अगर आप प्ले अलोंग रेगुलर खेलते हैं, यानी कि कोई सब्सक्रिप्शन बिना खेलते हैं प्ले अलोंग, तो आपको वीक में एक बार ही चांस मिलेगा घर बैठे जीतो जैकपॉट का 1 लाख रुपीज़ का। सो दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसमें एक बेनिफिट है कि आपको रेगुलर हर दिन आपको चांस मिलेगा कि आप घर बैठे जीतो जैकपॉट जीत सकते हैं। तो इसके लिए एक बेनिफिट है, और अगर प्ले अलोंग रेगुलर है तो उन्हें लिए एक बैड लक है क्योंकि उसको वीक में एक बार ही चांस मिलता है, एक बार ही वो लोग सिलेक्ट होते हैं, और जो प्ले अलोंग गोल्ड होते हैं वो रेगुलरली सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10,000 की धनराशि जीतने का मौका पाए सप्ताह की टिप टॉप टीम के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ है वो है कि अगर आप टीम में खेलना चाहते हैं तो आप टीम में भी खेल सकते हैं। डेली कैश प्राइस 50 रुपीज़, डेली कैश प्राइस 100 रुपीज़, फिर उसके बाद 750 ऑनलाइन शॉपिंग गिफ्ट प्राइस जीतने का भी मौका आप पा सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ पे इनाम है, इसमें भी आप कोई भी इनाम आप जीत सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। एक और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रैंक पे मत जाइए। यहाँ पे दोस्तों मेरा रैंक है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कुछ रैंक है, तो इस पे रैंक में मत जाइए। देखिए यहाँ पे नितेश शार, यह कुछ सरनेम इसकी वो हो गई है, डॉट डॉट पे आ गई है, फिर रजिया मैम ये सब कुछ होगा शायद। तो दोस्तों ये जो तीन टॉप प्लेयर हैं उसको कोई घर बैठे जीतो जैकपॉट में 1 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रैंक पे मत जाइए, क्योंकि कई सारे लोग गूगल पे गूगल में से भी डायरेक्टली कर लेते हैं सर्च और फिर डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। हालांकि आप भी कर सकते हैं, पर दोस्तों वो लोग इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को कि जो लोग तेज जवाब देते हैं तो वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों करीब एक एपिसोड में 30 से 25 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें कोई भी गलत नहीं है और सभी तेज जवाब है, तो आप डेफिनेटली घर बैठे जीतो जैकपॉट में 1 लाख रुपए जीत ही सकते हैं, ये मेरा दावा है। दोस्तों यही है ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।